तो हॉस्टल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मैस की फीस तो पूरी भरते हैं पर मैस के खाने के अलावा सब खाते हैं। तो हमेशा की तरह मैस का खाना त्याग कर मैं और मेरे दोस्त पास्ता बनाकर उसकी सुगंध के सस्ते नशे कर रहे होते हैं। कितने में हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास प्लेट तो है ही नहीं, तो हम निकल पड़ते हैं रात के अंधेरे में मैस की प्लेट चोरी करने, फिर उसमें पास्ता खाकर उसे वापस मैस में रख देते हैं जिससे उसके धोने की टेंशन ही खत्म। अब एक प्लेट पास्ता हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था, तो बची भूख को खत्म करने हम चले आते हैं रानी कमलापति स्टेशन। और भाई यहां का लिफ्ट को देखकर मेरे अंदर का फिटनेस फ्रीक और अब जाग जाता है और फिर मैं लिफ्ट को ट्रेडमिल बना लेता हूं। सीरियसली हाउ स्मार्ट आई एम। फिर यहां के फूड कोर्ट से हम कुछ चीजें खरीद कर खाने लगते हैं और भाई नवाबी हो तो इस बच्चे जैसी खुद के मजे के लिए रात के 1 बजे ऑफ रोड ट्रेन चलवा दी। जलवा है हमारा। स्वच्छ भारत के नियमों का पालन करते हुए कचरा डस्टबिन में डालकर हम वापस हॉस्टल जाते हैं। फिर सुबह हमारे अंदर फिर से कीड़ा जागता है, खाने का नहीं आगे बताऊंगा। तो रात के पास्ते के नशे में हम गार्ड भैया की गाड़ी उठाकर चलने लगते हैं, पर फिर होश में आकर सही गाड़ी लेकर हम निकल पड़ते हैं जिम के लिए, क्योंकि भाई अब मैंने डिसीजन बना लिया है कि अगले 2 महीने में बॉडी बना के रहूं। जिसको पटना है पहले ही बता दो।